सीन एक्चुअली ये है कि सम्राट ने ऐश्वर्या को अपनी तरफ ले लिया और आई थिंक उसको फॉलो करते करते जय मुझ तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसे शक होता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ जो भी परेशान कर रहा हूँ फैमिली को। अगर आपने पहले देखा होगा तो अलग अलग लुक्स में सम्राट आया था, एक बार एक बुढ़े के गेटअप में आया था, एक बार एक फ्रेंच बियर्ड वाले लुक में आया था, तो आई थिंक जय आज लगभग उसी तरीके का कुछ लुक लेके आया था और उसे पता चल जाता है कि ये मैं हूँ। तो कुछ नहीं, हमारी कन्फ्रंटेशन है और जो सम्राट का गुस्सा है जय की तरफ वो फट जाता है और अंदर मारपीट हो जाती है और उसके पास आज एक मौका होता है कि वो जय की जान ले ले, तो वो बस वो करने वाला ही होता है टेबल उठा के और घर वाले आ जाते हैं जिन्हें ऐश्वर्या बुलाती है, तो हम वो ड्रामा कर रहे हैं। अब आप देखिए सम्राट का रिएक्शन कैसे आता है आगे, मुझे पता नहीं क्या प्लान हो रहा है क्या नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है एक रीज़न के वजह से हो रहा है, वो रीज़न आप लोगों को आगे पता चलेगा। बट अब मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि एक फैमिली का रिएक्शन क्या होता है, घर से तो पहले ही निकाल चुके हैं, मुझे वैसे ही अपना मानते तो है नहीं, तो बस अब हम वही सीक्वेंस शूट करने वाले हैं जब घर वाले आ जाते हैं और मैं उन्हें कन्फ्रंट करता हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग द सीक्वेंस। नहीं, मैंने कोई प्रैंक तो नहीं खेला, लेकिन मैंने उसे कहा कि जैसे वो पुराने जैसे लंदन वंडन में वो बुढ़े नहीं हो जाते एकदम वेल रेड से फिट से बुढ़े, जैसे कोई लिटरेचर वाले कोई टीचर रहे हों जो रिटायर हो गए हों, थोड़ा वैसा लग रहा था वो। और इसको देख के मुझे हमारे एक एक्टर थे टॉम ऑल्टर, तो मुझे उनके जैसा लुक लगा थोड़ा इसका, जो कि अच्छा था। इस ड्रामे में बहुत मज़ा आने वाला है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द फीडबैक्स एंड रिएक्शंस, तो आप मुझे देख के बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आप सब। थैंक यू। बस आपको पता ही है मैं रोज़ नए नए रूप लेता हूँ, तो आज ये हमारा ये लुक है, थोड़ा थोड़ा बच्चन सर से मिल रहा है पर वैसा है नहीं अभी तक पूरा, पर अभी ये 60-70% है पूरा लुक। अभी एक नया सीक्वेंस आया है जिसमें जय अब गेटअप लेके कहीं जाता है, तो उसी के लिए सब कुछ चेंज किया। ये चेंज एक्चुअली सम्राट को फेस करने के लिए, क्योंकि जय को सम्राट का पता लगा है कि वो वापस आया और उसको लगा कि हर बार अब वो गेटअप चेंज करके आता है, अब मैं गेटअप चेंज करता हूँ, तो ये आज उसने गेटअप चेंज करके उसे पकड़ने गया। टाइम तो लगा, कुछ 1-1.5 घंटा लगा। अभी भी जैसे मैंने बताया पूरा कंप्लीट नहीं है अभी, अगर यहाँ पे पूरे पैचेस एंड प्रोस्थेटिक्स लगते हैं तो लग जाते हैं, कम से कम 2-2.5 घंटा तो इजीली लगेगा अगर प्रॉपर लुक लिया तो। हाँ, ऑडियंस को बहुत मज़ा आ रहा है हमारा शो देखते हैं, इंटरनेट वाला लव, एंड आई एम श्योर ऐसे नए नए लुक्स और नए नए एपिसोड्स एंड सीक्वेंसेस आते रहेंगे तो उनको और मज़ा आएगा, एंड वी आर रियली हैप्पी फॉर वट एवर रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग, एंड हमें भी एक मज़ा आता है कुछ ऐसे नया स्टोरी लाइन में कुछ ना कुछ नया होते रहे या कुछ नए ऐसे लुक्स या कुछ नया करते रहे हम शो में, एंड ऑडियंस भी अगर एंटरटेन होती रही तो नथिंग लाइक।